यूपी में काफी लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लग गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर उन नेताओं पर टिका दी है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, ताकि वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार दे सके। उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस कोशिश में कामयाब होती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन वो लगातार सपा के साथ गठबंधन में होने का दम भर रही है। इस बीच कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से अति पिछड़े और दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके, जिससे पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हो सके। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस बीएसपी नेताओं की ओर टकटकी लगाए बैठी हुई है। कांग्रेस ने बसपा खेमे के ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो खुद को बसपा में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों के पास इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनसे संपर्क करें और पार्टी में शामिल कराने की कवायद करें। कांग्रेस नेता उन्हें ये बताएं कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने में जुटे हैं और लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इन नेताओं को ये भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस यूपी उपचुनाव से पहले ऐसे कुछ नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाती है तो इसका फायदा सपा को भी होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि दलित वोटर सपा के साथ आने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। जाहिर है कि कांग्रेस की इस रणनीति का फायदा सपा को उपचुनाव में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन वो खुलकर सपा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि जल्द ही अलग अलग दलों के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। उपचुनाव से पहले भी कुछ नेता उनके पाले में आ सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब आती जा रही है। लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रही, वह ये कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट नहीं दी है। सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जुड़ा बताते हुए जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद यह सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस सीट से चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी सपा के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 चुनाव 2007, 2012, 2017 और 2022 की अगर बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है और 2 बार ही इस सीट पर साइकिल दौड़ी है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोट का रहा था। सपा ने कांग्रेस की जिद पर भी ये सीट नहीं छोड़ी तो उसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड भी है। फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। सपा के लिए भी ये सीट कुछ वैसी ही है जैसी कांग्रेस के लिए नेहरू परिवार की कर्मभूमि रही फूलपुर, आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की भी कर्मभूमि है। इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सपा किसी भी हाल में ये सीट गठबंधन सहयोगी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई। फिलहाल जो भी हो, सपा ने ना ही कांग्रेस को फूलपुर की सीट दी और ना ही इसके अलावा किसी सीट पर कांग्रेस की बात बनी। इस तरह से कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन गठबंधन में रहकर साथ में दम जरूर भर रही है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें
कौन ज्यादा सीटों पर बाजी मारता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।